यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम के पहुंचने पर गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे वहां तनाव फैल गया है। करीब ढाई घंटे तक मस्जिद के अंदर सर्वे करने के बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा में दूसरे रास्ते से सर्वे टीम को वहां से बाहर निकाला। सर्वे करने पहुंची टीम में वकील विष्णु शंकर जैन भी शामिल थे। संभल में कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के दौरान तनाव फैलने के बाद मौके पर मुरादाबाद के DIG मुनिराज के साथ साथ बरेली जोन के ADG रमित शर्मा को भी वहां भेजा गया है। इसके अलावा PSC की 3 कंपनियों की भी पूरे इलाके में तैनाती कर दी गई है। इसको लेकर DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि मौके पर हालात पूरी तरह से काबू में है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर टीम वहां सर्वे करने पहुंची थी। पत्थरबाजी होने के बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और सर्वे टीम को किसी अन्य रास्ते से बाहर निकाला गया। हालांकि जिस गली से उनको बाहर लाया जा रहा था उस दौरान कुछ लोग वहां भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक चले इस सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा हो गया। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। अब इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि सर्वे के दौरान वहां क्या क्या मिला। बता दें कि मुगल कालीन इस मस्जिद के एक प्राचीन हिंदू मंदिर स्थल होने के दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर दूसरी बार वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की अगुवाई में टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद में अंदर गई। सर्वे करने के लिए टीम के वहां पहुंचते ही पुलिस पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और SP हेलमेट पहने नजर आए। इससे पहले 19 नवंबर को संभल जिले की चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट ने जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की टीम दोबारा पहुंची थी। इसके साथ ही और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए ABP लाइव।